बंदेज ज्यादा हो रहा है। तो सात तत्व में हमारे दो तत्व कब होते क्या पता, बाकी के तत्व तो चालू है। तो ये जो प्रतिमा है हमें साक्षात व तत्व की साक्षात मूर्ति है, जिन्होंने सात तत्व को क्या किया, पूर्ण किया यानी मोक्ष को प्राप्त किया। अब उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी धर्म की मूर्ति देखने से आवे उसी को दर्शन कहते। इसीलिए चार मंगलों में पहले मंगल कौन, अरिहंत मंगल, ये मंगल मूर्ति है, सावधान हो जाना, मंगल मूर्ति। क्योंकि वीरागता के साथ मंगल मूर्ति और कपड़े के साथ दंगल मूर्ति। तो ये मंगल मूर्ति क्यों कहा, इनके दर्शन करने से पाप का नाश होता है और सुख की प्राप्ति, मंगल शब्द ही हमें बताता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि चार मंगल में प्रथम मंगल, चार उत्तम में प्रथम उत्तम और चार शरण में पहले शरण अगर कोई है तो अरिहंत देव है। जब मंगल मिल गए, उत्तम मिल गए, शरण के योग्य मिल गए, आप अन्यता शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम, अब अन्य जय शरण लेने की हमें जरूरत नहीं। और ऐसे भगवान की जब हम दर्शन करते हैं, इसीलिए कई लोगों की मान्यता है कि अन्य प्रतिमा के सामने जाने के बाद क्यों निर्जरा नहीं होती और वीतरा भगवान के सामने क्यों होते, इसके लिए आराधना सार में एक उदाहरण बताए कि गाराप हारने मुद्रा गरुड़ से यथा तथा जिनशापने सो हंत्री दुरितार्थ पातिना। वहां बताते जिस प्रकार गरुड़ मुद्रा, गरुड़ मुद्रा होती ना, इससे दर्शन मात्र से सर्प का विष क्या होता है उतर जाता है। तो गरुड़ मुद्रा से, गरुड़ मंत्र से जैसे विष उतर जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की मुद्रा भी पाप नाश के लिए कारण है। ऐसे बताते हुए उस प्रतिमा का महत्व हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि जैन सम्यक और इस मूर्ति के बारे में बताया है कि सम्यक की प्राप्ति करने के लिए यही मूर्ति है, आत्मा की विशुद्ध को प्रकट करना और आत्मोत्थान के लिए ये प्रतिमा महत्वपूर्ण माना गया। और ऐसी प्रतिमा के कारण हमारे मूर्ति में संप्रेषण की अपरिमित ऊर्जा मिलती है।